और अब हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर जी जुड़े हुए हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में सर श्रवण संकाय के डीन हैं और पाली जो आधुनिक समय में पाली को एक जागृत स्वरूप देने का कार्य सर कर रहे हैं और भारत में कुछ ही इक्का दुक्का प्रोफेसर हैं जो हम ऐसे ऐसे गिन सकते हैं, हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ऐसे केवल ये 3 या 4 ही लोग हैं जो पाली में अनवरत गति से लिख रहे हैं, पाली में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, साहित्यिक सृजन कर रहे हैं, गद्य पद्य चंपू सभी तरह का काव्य का जो सृजन है पाली में कर रहे हैं और पाली के प्रचार के लिए सर अनवरत लगे हुए हैं। तो ऐसे महानुपाशक और पाली सेवी सर और ऐसे विद्वान सर को हम अपने बीच में पाकर बहुत बहुत कृतार्थ हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आए और हमें अनागारिक धम्मपाल जी के जीवन से संबंधित और उनके विभिन्न पहलुओं से रिलेटेड हमें अपना धम्म ज्ञान दें और अपने चर्चा से हम लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय रमेश प्रसाद सर धन्यवाद। सब पठमांग बुद्ध वंदना यो कप कटो ही पियप मयं कालं करंतो अति दुक्कडानी खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्स असंबुद्धं बुद्धनि सेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि किलेश जाल विध्वंसिनो दमुवरश्च तस्य गुणे हि यो शील समाधि पय्या विमुक्ति यान पभुति हितो हेतं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। इमस्मिं वेबिनारे उपठितानं संबेसं महोदयानं नमो बुद्धाय। या उपस्थित भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ हमारे मुख्य अतिथि पूज्य भिक्षु एन आनंद महाथेरो जी, अभी आपने इनका वक्तव्य सुना, श्रीलंका के विद्वान हैं, मुंबई में रह रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं महा उपासक तुषार मोहितो जी, आप भी मुंबई में ही हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में, और जो सूत्रधार हैं कर्ता धरता है पाली के लिए दिन रात लगे हैं ऐसे प्रफुल्ल गढ़पाल जी, संचालन कर रहे हैं विकास सिंह जी, निगम जी जूम से यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भी श्रोतागण हैं, मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह जो बदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान, इनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यह 15 दिनों का कार्यक्रम है, एक पखवाड़े का काम कार्य चल रहा है, पक्षु शवों के नाम से यह उत्सव मनाया जा रहा है। और यह उत्सव का जो उद्घाटन है वह बोधिसत्व देवमित्त अनागारिक धम्मपाल जयंती, उनके जन्मदिन आज है, आज के दिन से इसका आरंभ किया जा रहा है। और साथ ही एक विशेषता कि आज के दिन को विश्व पाली गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे पाली दिवस पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया भी मनाती आ रही है, मना रही है करीबन 10-12 वर्षों से, लेकिन हम लोग 1 अप्रैल को पाली दिवस मनाते हैं। वह दिन भिक्षु धम्मरक्षक जी का जन्मदिन है, जयंती दिवस है, और आज पाली गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं गढ़पाल जी और पाली संवर्धन प्रतिष्ठान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
कि इसी माध्यम से बुद्ध धम्म पाली धम्म भारत में प्रचार प्रसार हो रहा है। कुछ बातें कहकर मैं अपनी बात को रखूंगा। इसके जो बैनर है, बैनर में मैंने देखा जो लेफ्ट साइड है उसमें लिखा है सुखं पाली भाषाए अध्ययनं सुखं च पर्यत्ति शासनं। पाली भाषा का अध्ययन सुखदायक है। पाली भाषा सही में वह भाषा है जो आपको अंदर से सुख देती है, जो आपको क्षणिक सुख नहीं देती है। अगर पाली भाषा को पढ़े तो आप चिंतन के लिए बद्ध होंगे और वह जो आध्यात्मिक जो सुख है, जो अंदर का जो सुख है वह देती। आगे लिखा सुखं च पर्यत्ति शासनं। पर्यत्ति का अर्थ होता है भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वह पर्यत्ति है, जो त्रिपिटक में संग्रहित है, या हम यूं कहें कि आगे भी जो रचनाएं हो रही है बुद्ध को ही अवलंब बनाकर रचनाएं हो रही है वह भी पर्यत्ति है। ऐसा जो शासन है, ऐसा जो बुद्ध का जो उपदेश है उसका शरण जाना भी सुखदायक है, यानी धम्म का शरण। और यह पाली भाषा जो है जिसको जीवित रखा है संघ का शरण, और बुद्ध तो है ही, इन तीन रत्नों का शरण जो है वह सुखदायक है। इसको उन्होंने अपने लोगों में दर्शाया है। एक बात है, उन्होंने मैंने और देखा इनके बैनर में जो भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के जो लोगो है, जो उनका सर्कल में जो बना है, उसमें उन्होंने जो लोगो बनाया उसमें लिखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी यह जो प्रतिष्ठान की जो स्थापना हुई है, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख, केवल कहने के लिए नहीं, यह कैसे हो इसके लिए जो है वे दिन रात यह पूरा प्रतिष्ठान लगा है। तो मैं पुनः प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज उद्घाटन सत्र है, आज अनगाड़े धम्मपाल जी की जयंती है। आप जानते हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप संस्थापक थे, वर्तमान में मैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी में भी हूं, एकेडमिक काउंसिल में भी हूं। जो धर्मदूत पत्रिका निकलती है विमलेंद्र जी के साथ, मैं भी उसका संपादक हूं। इसलिए सर्वप्रथम मैं अनगाड़ी धम्मपाल जी को कोट से नमन करता हूं। उद्घाटन सत्र है तो विस्तार से अनागारिक धम्मपाल जी पर चर्चा होनी चाहिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धम्मपाल जी के बारे में मैं इस वेबिनार के माध्यम से श्रोताओं को थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। 17 सितंबर आज ही के दिन 1864 को श्रीलंका के हेवा वितरणा परिवार में धम्मपाल जी उत्पन्न हुए थे। ऐसे महापुरुष का जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट होते हैं। वे एक युग पुरुष थे जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनः प्रवेश कराकर एक नए युग का आरंभ कराया। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का जन्म होता है, उदय होता है, यही इसका विस्तार होता है, फिर पूरा देश बुद्धमय हो जाता है, विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होता है, और फिर भारत में ही इसका ह्रास होने लगता है। यह भी एक अद्भुत बात है। प्रकृति का नियम है, बुद्ध ने भी कहा है सब्बे संखारा अनिच्चा, सब कुछ अनित है,
अभिधम्म में भी कहा गया है, किसी वस्तु के चार लक्षण होते हैं, उपचय, संतति, जड़ता तथा अनिच्छता। यानी ओरिजिन, पहले वह जन्म लेता है, संतति, फिर कुछ समय तक वह बरकरार रहता है, डीके, फिर धीरे धीरे ह्रास होता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। शायद यही बुद्ध धम्म के साथ भी भारत में हुआ। यह भी प्रकृति का नियम है कि मृत्यु के बाद जन्म बुद्ध धर्म का पुनः आगमन होना ही था, पुनरुत्थान निश्चित था। हाँ, इस पुनरुत्थान, इस रिवाइवल में कारक भी किसी को बनना था। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कॉज इफेक्ट रिलेशन, प्रतीत समुत्पाद का नियम, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यहां भी लागू होता। भारत से बुद्धम श्रीलंका जाता है मौर्य काल में। सम्राट अशोक का पुत्र कुमार महिंद्र ने अपने चार भिक्षुओं इट्ठिये, उत्तिये, संबल तथा भद्रसाल के साथ मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश कराते हैं। फिर वहां यह धर्म फलता फूलता है। बोधिसत्व अनगारिक धर्म पालने बौद्ध धर्म को भारत में प्रवेश कराकर श्रीलंका का जो ऋण था भारत के प्रति, उसे उन्होंने चुका दिया। जैसा कि अभी बिच्चू एस एन आनंद महाथेरो जी ने भी कहा, जो भारत का ऋण था उसे चुकाने के लिए हम श्रीलंका से भारत महाराष्ट्र मुंबई में आए हैं और 55 वर्षों से पुनः उस धम को जो भारत ने खो दिया था उसे हम दान कर रहे हैं। धन है अनागारिक धम्मपाल जी, ऐसे बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी को मैं सत सत नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। अनागारिक धम्मपाल का प्रादुर्भाव भारत में बौद्ध धर्म के प्रवेश कराने के लिए होता है, ताकि भारत के बहुजन का हित, सुख, मंगल हो सके। बुद्ध का भी तो यही उद्देश्य था, देशे हित भिक्खवे धम्मं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य, अधिक से अधिक लोगों का मंगल, अधिक से अधिक लोगों का। अनागारिक धम्मपाल का पालन पोषण बौद्ध संस्कारों में हुआ। उनके माता पिता बौद्ध थे, भले ही बचपन में उन्हें एक ईसाई नाम डॉन डेविड दे दिया गया हो, जैसा कि विकास सिंह ने भी बताया। 1879 में, 1879 में सर एडविन आर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम से इंग्लैंड में एक पुस्तक प्रकाशित कराते हैं। पुस्तक का नाम लाइट ऑफ एशिया, अभी जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन उस पुस्तक के नाम से मैं संतुष्ट नहीं हूं। कई अवसरों पर मैं बोलता भी रहता हूं, यह जो पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ एशिया, यह उपयुक्त नहीं है। पुस्तक का नाम लाइट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश तो प्रकाश होता है। यह पुस्तक बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध के धम्म को किसी व्यक्ति, स्थान अथवा काल से नहीं बांधा जा सकता। इट इज एप्लीकेबल टू ईच पर्सन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। बुद्ध का धम्म तो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। केवल इसलिए लाइट ऑफ एशिया कहा जाए कि एशिया के कुछ देश बौद्ध हैं। बुद्ध का धम्म तो समान रूप से सबको प्रकाशित करने वाला है।
एडविन आर्नोल्ड की इस लाइट ऑफ एशिया ने अनगारिक धमपाल जी के जीवन में रोशनी पड़ा, उन्हें प्रकाशित कर दिया। उस प्रकाश में उन्हें साफ साफ दिखने लगा कि बुद्ध धम्म एक वैज्ञानिक धम्म है। वैसे लाइट ऑफ एशिया तो इंग्लिश में लिखी गई एक पुस्तक है, लेकिन इसमें तीन उद्धरण, तीन कोटेशंस पाली भाषा में एज इट इज लिख दिए गए हैं। उनमें से दो धम्मपद के तथा एक विनय पिटक के महावग का है, उसका उल्लेख करना मैं यहां उचित समझता हूं। पहला जो धरन है वो जो भगवान बुद्ध का जो पठमा वाचा है वह है अनेक जाति संसारन संधा विसंग अनिविसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुण के हंग न कहासी सब बाते पास का भग्गा गह कुटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तनहानं यमच। यह भगवान बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद पठमा वाचा है, मुख से निकला था यह उदगान। इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। इस जीवन रूपी घर को बनाने वाले को ढूंढता हुआ मैं अनेक जन्मों तक बिना रुके इस संसार में भटकता रहा, बारंबार इस संसार में आकर दुख भोगता रहा। हे घर बनाने वाले, हे गृह कारक, जीवन मरण का घर बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब पुनः घर नहीं बना सकेंगे। तेरी सारी कड़ियां टूट गई है, घर का शिखर बिखर गया है, अर्थात अविद्या का अंत हो गया है। और अविद्या नहीं तो संस्कार नहीं, अतः चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का क्षय हो गया। इस हर्ष ने, इस गाथा ने अनगारिक धम्मपाल को बहुत प्रभावित किया। इसमें उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि दिखी। अविद्या तथा तृष्णा ही दुख का कारण है, यही दोनों हमें बारंबार भव चक्र में, लाइफ साइकिल में डालते हैं। दूसरा वर्ष देखते हैं। ये धम्मा हेतु पवहा ते संग हेतु तथागत आह ते संग च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। अर्थात कारण से उत्पन्न होने वाली, कारण कौज कारण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हेतु है, उनका कारण है, तथा उसके निरोध को भी तथागत महाश्रमण बतलाते हैं। कार्यकरण संबंध लाइट ऑफ एशिया में वर्णित तीसरा तथा अंतिम वर्ष है, अंतिम गाथा है, जो बहुत लोकप्रिय है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोत्पन्नं एतं बुद्धान शासनं। सभी प्रकार के पापों को न करना, अच्छे कर्मों को ही करना तथा मन को प्रशुद्ध रखना, यही बुद्धों की देशना है, यही बुद्धों का। अनगारिक धम्मपाल के मन मस्तिष्क में इतना प्रभाव डाला कि वे बुद्ध तथा उनके धम्म के लिए कुछ करना चाहते। इसी क्रम में धर्मपाल जी ने सर एडविन आर्नोल्ड के कुछ लेखों को पढ़ा, जिसमें बोध गया के महाबोधि मंदिर की
दयनीय स्थिति के बारे में उल्लेख था। ये लेख लंदन से प्रकाशित द टेलीग्राफ नामक पत्र में छपे थे, जर्नल में छपे थे। दिसंबर 1890 में, 1890 में श्रीलंका से वे सारनाथ आते थे। फिर जनवरी 1891 में बोध गया पहुंचते हैं। 22 जनवरी 1891 को प्रथम बार बोध गया मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस पवित्र भूमि की दुर्दशा देखकर उनका मन अत्यंत व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। मंदिर की उपेक्षित अवस्था ने उनको अंदर से झकझोर देता है और उसी समय उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इस पवित्र मंदिर का पुनरुद्धार करें और बौद्ध धर्म को उसकी जन्मभूमि में पुनः स्थापित करूं। उनका यह संकल्प उनकी डायरी की इन पंक्तियों में दिखता है। As soon as I touched with my forehead the Vajrasana diamond seat, a sudden impulse came to my mind. It prompted me to stop here and take care of the sacred spot, so sacred that nothing in this world is equal to this place where Prince Shakya Singha gained enlightenment under the Bodhi tree. हिंदी में इसको देखते हैं। ज्यों ही मैंने अपना मस्तिष्क वज्रासन पर रखा, मेरे मन में सहसा एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं यहां ठहर कर उस पवित्र भूमि की देखभाल में लग जाऊं। एक ऐसी भूमि जिसके समान पृथ्वी पर दूसरा स्थान नहीं है, जहां कुमार शाक्य सिंह ने बोधि वृक्ष के नीचे कल्प को पूरा करने के लिए बोधिसत्व धर्मपाल जी 31 मई 1891 को, 31 मई 1891 को सुमंगल महाथेर की अध्यक्षता में कोलंबो में द बुद्ध गया महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करते हैं। आप उसके जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। यहीं से भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया का कार्य शुरू हो जाता है। अब देखें इस सोसाइटी का उद्देश्य में क्या कहा गया है। बोधगया में यह हुआ था। पहला उद्देश्य है एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री स्थापित किया जाए। दूसरा है एक बुद्धिस्ट कॉलेज बनाया जाए। तीसरा है चीन, जापान, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाए। चौथा है अंग्रेजी भाषा तथा भारतीय भाषाओं में बौद्ध साहित्य के प्रकाशन का प्रबंध किया जाए। सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1892 में, 1892 में महाबोधि जर्नल का प्रकाशन वे शुरू करते हैं, जिसके संपादक वे स्वयं थे। यह जर्नल आज भी कलकत्ता से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित हो रहा है
वर्तमान में इससे जो महाबोधि जर्नल है इसके संपादक, इसके एडिटर बीएचयू के जो पाली एवं बुद्धिस्ट स्टडीज के अभी वर्तमान में संप्रति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, वे आप सम्मानित एडिटर है उसके। 29 वर्ष की युवा अवस्था में, 29 वर्ष युवा अवस्था में 1893 में, 1893 में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बौद्ध जगत तथा महाबोधि सोसाइटी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विषय था जो उस पार्लियामेंट में जो उनको विषय दिया गया वह विषय था बुद्ध के प्रति संसार कितना ऋणी है, द वर्ल्ड्स डेट टू बुद्धा। कॉन्फ्रेंस में अनगारिक धर्मपाल के रूप में वे उपस्थित, यह पहला अवसर था जब उन्होंने अनागारिक शब्द का प्रयोग किया। अनागारिक अर्थात जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, वन हु हैज गिवन अप द हाउस होल्ड लाइफ। इस समय उनकी उम्र भी 29 वर्ष है। बुद्ध ने भी अपने जीवन के 29वें वर्ष में ही गृह त्याग किया था। एक समानता, वैसे विश्व धर्म सभा को 11 से 27 सितंबर 1893 यानी 17 दिनों तक चली। अनागारिक धर्मपाल जी का भाषण 18 सितंबर को था, 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस है और उसके दूसरे दिन 18 सितंबर को इनका भाषण। इनके भाषण का आरंभ ही इंडिया शब्द से था, श्रीलंका से नहीं था। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एंशिएंट इंडिया 25 सेंचुरी एगो वाज द सीन ऑफ ए रिलीजियस रिवोल्यूशन द ग्रेटेस्ट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। भारत की ही चर्चा की उन्होंने, लाइट ऑफ एशिया से उद्धरण दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश है जो उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था उसकी चर्चा उन्होंने की। बुद्ध के उपदेशों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, यहां समय नहीं है सारी बातों को बतलाना। अछूत, अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी, नारी अनटचेबल्स, विमेन के प्रति बुद्ध के क्या विचार थे, इस पर उन्होंने धर्म सभा में कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि अनागारिक धर्मपाल का पूरा भाषण बुद्ध तथा भारत ही था। जब धर्मपाल जी भारत आए तो देखा कि भारत में अछूत, अस्पृश्यता तथा नारी के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है। भारत में बुद्ध तथा धर्म का स्थापित करना अपना उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। 1901 में अनागारिक सारनाथ पुनः आते हैं, मृगदाओ के मध्य, डियर पार्क के मध्य भूमि खरीदते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आपत्ति लग जाती है। 1915 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का
पंजीकरण होता है, जिसके अध्यक्ष कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उप कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी बनाए जाते हैं। काफी प्रयत्नों के बाद 30 जून 1916 को भारत सरकार ने महाबोधि सोसाइटी को सूचना भेजती है, यदि सोसाइटी सारनाथ में मंदिर का निर्माण करना चाहता है तो उसे भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि प्रदान की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कलकत्ता में धर्मराजिक विहार की वे स्थापना करते हैं। 3 नवंबर 1922 में मूलगंध कुटी विहार की आधारशिला सारनाथ में रखी जाती है। मंदिर का निर्माण आरंभ होता है, जिसके लिए मिसेज मेरी फोस्टर अनागारिक धर्मपाल के माता पिता एवं भारत तथा कई देशों के श्रद्धालुओं का दान प्राप्त होता है। अनागारिक के अनुरोध पर सर आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली का पठन पाठन प्रारंभ करवाते। उन्होंने स्वयं कात्यायन व्याकरण, जो पाली व्याकरण है, का प्रकाशन करते हैं। बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अनागारिक धर्मपाल जी सारनाथ में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट बनाने की योजना बनाते हैं। संप्रति इसी वर्ष गवर्निंग बॉडी और विद्या परिषद से पास होकर प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी के निर्देशन में पंजीकरण हो रहा है, इस वर्ष हो जाना चाहिए। अस्तु, जिस समय मूलगंध कुटी विहार का निर्माण संपन्न होने जा रहा था, अनागारिक की 13 जुलाई 1931 को श्रामनेर की प्रवज्या दीक्षा होती है। अब वे अनागारिक धर्मपाल से देवमित्र धर्मपाल हो जाते हैं। देवमित्र, जिसको अभी इन्होंने जो बैनर में लिखा है देवमित्र, मित्र का मित्र, धर्मपाल हो जाते हैं। 29 अप्रैल 1933, 29 अप्रैल 1933 को देवमित्र धर्मपाल का निधन सारनाथ में हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपने जीवन के 69 वर्षों में से आरंभ के 25 वर्ष श्रीलंका में बिताते, शेष 44 वर्ष भारत में रहकर बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान में अपने जीवन को समर्पित कर देते। इनका लास्ट विल, जो अंतिम जो इच्छा थी, उसे हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं। लास्ट विल है इनका, माय ग्रेट डिजायर वाज टू राइट ए लाइफ ऑफ द बुद्ध तथागता, बट दिस इट सीम्स इज नॉट गोइंग टू बी accomplished. May I be born again in India in some noble Brahmin family and learn the Dhamma in Pali and become a bhikkhu to preach the Dhamma to India's millions. Love and happiness to all. This is my last will. सारनाथ में बौद्ध भिक्षु की उपसंपदा लेने के अवसर पर
डायरी में उनकी अंतिम वसीयत उन्हीं के शब्दों में दी हुई है। बुद्ध गया टेम्पल पर हम नहीं जाना चाहेंगे, बहुत समय हो चुका है। बोध गया टेम्पल जो विवाद है वो अब तक कोर्ट में फंसा है। ऐसे महामानव को पुनः कोटि सा नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आयोजक को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बधाई देता हूं और मुझे आमंत्रित कर दो शब्द आपके समक्ष रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। भवतु सब मंगलक। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बड़ा ही सिंहावलोकन हम लोगों ने किया भदंत नागरिक धम्मपाल जी के जन्म से लेके मरण तक, उनके अंतिम इच्छा तक आपने एक विस्तार के साथ में सारी चीजें रखी और हमें लाइटेंड किया। लाइट ऑफ एशिया के बारे में हम लोग भी इतना नहीं जानते थे सर, कि जिस तरह से आपने उनके जीवन पे उस प्रभाव को भी और पाली साहित्य को भी दिखाया, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और आशुतोष मुखर्जी जी के बारे में तो काफी सारी चीजें हैं। जी जी सर, और ये किताब पढ़नी भी चाहिए लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं जो धम्म के बारे में पढ़नी चाहिए। और मैं लेके बैठा था सर आपकी किताब यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा कि देखिए कि जो अनागरिक धम्मपाल जी की इच्छा थी कि पाली वापस भारत में आए और पाली पक्षोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये जनरल के बारे में हमें बातचीत करना बहुत जरूरी है। ये पाली पटिपदा जनरल है और इसके संपादक आदरणीय रमेश प्रसाद सर और प्रफुल्ल गढ़पाल सर हैं। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया से निकला है और ये भारत का पहला ऐसा जनरल है जो पूरा का पूरा पाली भाषा में, इसमें कविता भी पाली में है और लोगों ने जो लेख लिखे प्रोफेसर्स ने वो भी सभी पाली भाषा में है। तो लग रहा है कि त्रिपिटक का विस्तार अब आरंभ हो चुका है, पुनः त्रिपिटक की जो रश्मियां हैं वो निकल रही हैं और हम लोग उनको इनके रूप में पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। और आप लोग जो जो पाली सीख रहे हैं, इसका द्वितीय अंक आने वाला है, उसमें भी आप लोग अपनी सारी चीजें भेज सकते हैं। तो ऐसे विद्वान मनीषी को हमारे बीच में पाके हम बहुत बहुत धन्य अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और सर आपका हम पुनः आयोजन कमेटी की ओर से पुण्यानुमोदन करते हैं कि इतना विस्तृत और संदर्भ सारी बातों की जो आपने समीक्षा की, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ। जी सर, ये यूट्यूब चैनल विकास जी, मैं अध्यात्म सीरीज और जो बुद्धा सीरीज जो कर रहा था, 31 एपिसोड तो निकल चुके हैं यूट्यूब पर, प्रोफेसर रमेश प्रसाद के नाम से जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ये पिछले 3 महीनों से ये बंद पड़ा था। तो ये आपको शुभ सूचना देता हूँ कि कल शनिवार है, कल से अभिधम्म पर मेरी जो है यूट्यूब पर फिर जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि अभिधम्म पर जो है ये मेटेरियल नहीं मिल रहा है, अब धम्म पर बातें होनी चाहिए। तो अब धम्म पर करीब 6-7-8 जितने भी एपिसोड जाएंगे मैं डिटेल में, और मैं कोशिश करूंगा कि सामान्य लोग आसानी से अधम का अवगाहन कर सके, समझ सके, बोधगम उनके लिए हो सके। कल आपको यह जो है अभिधम्म पर वो यूट्यूब पर जाने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग उसको निरंतर देखते भी हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। जी सर, विकास सिंह जी, सर की अनुमति से कुछ लोगों की प्रश्न और जिज्ञासाएं भी है, यदि 10 मिनट उसके लिए दे सके तो अच्छा रहेगा। कुछ हैंड रेस्ट किया है कुछ लोगों ने। ठीक है, ठीक है, जी हाँ बोलो। आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं एक एक से। आप हैंड रेस कीजिए, आपको फिर अनम्यूट किया जाएगा। जिसका भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा है ऐसा कर सकते हैं।
डॉक्टर सालवे जी को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ सर, तो अनागारी हाँ, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही? ओके सर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। ये मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर, ये बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी ने जो बुद्ध धम्म का पाली का जो प्रचार और प्रसार किया बुद्ध भूमि में, एक श्रीलंका के वो पुत्र थे सम्माननीय, लेकिन उन्होंने जब अभी सारा विश्व में उन्होंने प्रयास किया पाली भाषा का प्रचार करने का, लेकिन जो ये भाषा का विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में कई जो है उसमें उसमें उसका रखा है, लेकिन आज कॉलेज हो, स्कूल हो, या सारे हिंदुस्तान या सारे भारत में जो कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है, उसमें उसका प्रचार नहीं हुआ है। और जो जो भाषाएं हैं, हिंदी भाषा और अंग्रेजी, जो उसको जो दर्जा प्राप्त हुआ है, इसको पाली को अभी तक दर्जा प्राप्त हुआ नहीं है। तो ऐसा क्यों होगा ये कि ये पाली भाषा जो है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या शिलालेख में बंदिश कर रखा है, ऐसा कहने का ख्याल है, क्योंकि ये बाहर नहीं पड़ रहा है कहीं भी हो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये ऐसा ये पीछे भाषा ये क्यों पड़ी है? मराठी में कहते हैं पाली भाषा, ये पाली पाली और उसको कोई नहीं है वाली सर, अपना संक्षेप में कोई नहीं है वाली, ऐसे का ऐसे मराठी भाषा में कहता है जिसको कोई वाली नहीं मिला है, तो ऐसा ये क्यों है? सर आप जो है डायरेक्ट प्रश्न करें, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी ठीक है ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही है। ठीक है धन्यवाद। आपने जो कहा कि यहाँ पर प्रचार प्रसार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रचार हाँ बात ठीक है ठीक है। तो ये सर ये ये जो मन, एक मिनट मुझे कहने दें, ये जो मंच है वो प्रचार प्रसार के लिए ही है, सरकारी जो भी तंत्र हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, या इससे मैं सहमत हूं। उसका भी कारण है कि अब देखें, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट लेवल तक दो कॉलेज में केवल पाली की व्यवस्था है पढ़ाने की, दोनों कॉलेज में एक कुशीनगर में एक सारनाथ में एक एक अध्यापक दोनों जगह नियुक्त है। ठीक स्थिति है, खैर सारनाथ में तो विद्यार्थी करीब 80-90 हैं, कुशीनगर में अब नहीं के बराबर हैं। अब ये कहे कि अब सरकारी अब लोगों को अपने ही बच्चों को हम पाली नहीं पढ़ाते हैं, अगर आप अंदर से देखें तो अपने बच्चों को हम साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ा देंगे, संगीत पढ़ा देंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन पाली नहीं पढ़ाते हैं। पहला दोष तो मेरा अपना है, जब बच्चे पढ़ने लगेंगे, जब भीड़ होने लगेगी, तो शासन को भी दिमाग में जाएगा कि भाई इसका और कॉलेजेज में खोलो, तो स्कूल में खोलो। और जब स्कूल और कॉलेज में नहीं खुलेंगे, सब एक दूसरे से संबंधित है, तो जब खुलेंगे नहीं तो नौकरी नहीं है। आईएएस में पहले पाली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, 2013 से वो निकाल दिया गया। आपके नागपुर के जो प्रोफेसर साहब हैं वो लड़ रहे हैं खांडेकर जी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ, आश्वासन केवल दे रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं, 2013 से हटा दिया गया। पहले जो आईएएस के तैयारी करने वाले लोग जो आते थे वे हम लोग आते थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और फिर पाली का कुछ चिंतन मनन होता था। अब जब हटा दिया गया तो अब पाली का वो भी जो बच्चे पढ़ने आते थे वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब पीसीएस में देखें, आपके उत्तर प्रदेश मूल है,
उत्तर प्रदेश पीसीएस में पाली नहीं है। जब तक कि पीसीएस नौकरी से पाली को नहीं जोड़ेंगे, स्कूल कॉलेजेज में यूनिवर्सिटीज में पाली का अध्ययन अध्यापन नहीं होगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अगड़पाल जी जैसे लोग जो है इसी तरह से घूम घूम कर लोगों का पाली का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। शासन के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और अपने भी बच्चों को पाली पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।